मधुसूदन को भगा दिया। मैंने मधुसूदन को भगा दिया। यहां पर मधुसूदन
सीमा, ये महाभाव और किसी में नहीं आता, एकमात्र श्रीमती राधा रानी का। राधा रानी महाभाव की सीमा है और श्री कृष्णचंद्र जो है रस राज, रस जिनमें भरा हुआ है वो कृष्ण में और जिनमें प्रेम भरा हुआ है वो राधा रानी में। तो प्रेम की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्रीमती राधा रानी और जिसमें रस ही रस भरा हो वो हमारे श्री कृष्णचंद्र। तो ये देख करके कि मेरी गोद में लेटी राधा रानी और सिर्फ इतना आभास हुआ कि मधुसूदन जो भोरा है सिर्फ नाम सुनकर के मधुसूदन चला गया तो इनको अथाह दुख हुआ। और जब मैं सामने होता हूं तो इनके विरह की सीमा नहीं रहती, जरा सा पता चलता है कि मैं चला गया। और जब मैं दूर होता हूं तो कभी तमाम वृक्ष को आलिंगन करती हैं, हे कृष्ण तुम आ गए हो, और आलिंगन कर लेती हैं। मेघ को देखती है, नीलवर्ण को देखती है तो कृष्ण का आभास होता है, कृष्ण उनको दर्शन देते हैं। मतलब जब कृष्ण नहीं है तब तो उनको नीलवर्ण में कृष्ण नजर आता है। और जो साक्षात कृष्णचंद्र वही है और उनकी गोद में लेटी हुई है राधा रानी, कृष्ण के होते हुए एकमात्र सुना कि मधुसूदन नहीं है तो रो रहे और मूर्छित हो गए। ये देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र, कहने लगे इतना ज्यादा प्रेम करने वाला मुझे और कोई नहीं, एकमात्र श्रीमती राधा रानी है। क्या ऐसा सुख मिलता है राधा रानी को मेरा दर्शन प्राप्त कर, मेरी अंदर क्या ऐसा माधुर्य है, मेरा जो मधुर मधुर सुंदर स्वरूप है उसकी जो मधुरिमा, उसका जो आस्वादन राधा रानी करती है वो कैसा है। और राधा रानी को मेरे विरह में जो एक विरह सुख मिलता है वह कैसा है, इन सब बातों को जानने के लिए ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अभिलाषा की कि मैं एक बार राधा रानी का भाव लेकर के और अपना ही दर्शन के लिए लालायित होकर के विप्रलम्ब भाव में, विप्रलम्ब मतलब होता है विरह भाव में, विरह भाव में अपने आप की खोज करूंगा, अपना ही भजन करूंगा, अपने आप का ही अनुसंधान करूंगा। जिस प्रकार से राधा रानी दौड़ती है तमाल वृक्ष की तरफ, या फिर दौड़ती है मेघ को देख करके, या यमुना का जो नीर है जल है उसको देखती है तो वही मूर्छित हो जाती है, पागलों की तरह यमुना जी के अंदर प्रवेश कर जाती है कि हा कृष्ण हा कृष्ण कहकर मूर्छित हो जाती है। सखिया उनको बड़ी मुश्किल से लेकर के आती है, वो जो महाभाव की पराकाष्ठा है उसको जानने के लिए ही भगवान श्री कृष्णचंद्र ने मन ही मन सोचा एक बार राधा रानी का भाव लेकर के मैं अपना अन्वेषण करूं, मैं अपनी भक्ति करूं। जिस प्रकार से राधा रानी मुझसे प्रेम भक्ति करती है ऐसा ही मेरा तब सौभाग्य होगा कि मैं राधा रानी का भाव प्राप्त करके वह प्रेम प्राप्त करने की अभिलाषा है। तो ये देख करके जो भगवान सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण काम है, पूर्ण संकल्प करने वाले हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु हर कल्प में, जैसे कि हर कल्प में श्री रामचंद्र एक बार आते हैं, श्री कृष्णचंद्र एक बार आते हैं, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु भी एक बार आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का यहां पर आना, हरिनाम प्रचार, सब जीवों का उद्धार, ये तो गौरव कारण है, मुख्य कारण है राधा रानी का भाव तो आस्वादन करना। और राधा रानी की भाव को ग्रहण करना कृष्ण के बस की बात नहीं है, राधा रानी जानती है कि मेरे भाव को लेकर तो चलेंगे लेकिन जिस अवस्था में उस भाव के समुद्र में जो हम बिलोरे लेकर के मूर्छित हो जाती हैं और अपने आप को अपने शरीर में जो है उस विरह दुख को हम सहन कर लेंगे कृष्ण के बस की नहीं, क्योंकि कृष्ण चंद्र बहुत ही कोमल है, इनकी चरण कमल इतने कोमल है। गोपियां कहती हैं कि हम डरते डरते अपने वक्ष स्थल पर रखती हैं तो हमें डर लगता है कहीं इनके चरणों में कहीं कोई कष्ट ना हो जाए, कि चुभ ना जाए हमारे स्थल इतने कठोर है। वो गोपियां जो कि सदैव कृष्ण के अंग अंग को ऐसे देखती,
तड़पेंगे, जो कि मूर्छित होंगे, तो इनका अंग इतना कोमल है कि इनका अंग छत विक्षित हो जाएगा और ये सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने भाव के साथ साथ अपनी अंग कांति भी दी। तो अंदर कृष्ण और बाहर गौर, अर्थात अंदर से तो कृष्ण है लेकिन बाहर से राधा रानी है, वो है हमारे चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो चैतन्य महाप्रभु आज से 535 या 36 वर्ष पूर्व भक्ति कालीन समय जो हुआ 1600 ईस्वी में, तब जिस समय मीराबाई इत्यादि सब आए उसी समय ये भी चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में मायापुर आप सब गए हैं, वहां पर ही श्री जगन्नाथ मिश्र जो कि और कोई नहीं साक्षात नंद बाबा की अवतार, और माता सची माता जो कि यशोदा मैया, उनके यहीं पर ही अवतीर्ण हुए, प्रकाशित हुए, प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु अभी मैया के गर्भ में है तो मैया सची को बहुत सुंदर आनंद की अनुभूतियां होती और उनको इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है कि अपनी सुध बुध खो बैठती। देवी देवताओं को जब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले तो गर्भ की स्तुति के लिए साक्षात ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवी देवता भी वहां पर साक्षात वहां प्रकट होकर के रात्रि में स्तुति करते हैं और प्रणाम करते हैं। स्तुति करके मैया सो रही है लेकिन उनका आभास हो रहा है कि महान महान देवी देवता यहां पर आकर के स्तुतियां कर रहे हैं भगवान की और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ही वो प्रणाम करके समस्त देवी देवता यहां से अप्रकट हुए, इनकी नींद खुली और उठ करके जगन्नाथ कृष्ण उठा करके बोलती है, उठिए उठिए अभी मुझे स्वप्न हुआ है कि महान महान देवी देवता यहां पर उपस्थित थे और यहां हमारे घर में स्तुतियां कर रहे थे। मुझे लगता है कि हमारे यहां कोई महान भगवान का प्राकट्य नहीं तो उनका कोई दूत आने वाला है। तो जगन्नाथ मिश्र भी कहने लगे मुझे भी कई दिनों से बड़े अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं। समय बीता, इनके यहां पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जब प्रकट हुए तो उसको बोलते हैं गौर पूर्णिमा, होली पर। उस समय क्या होता है, उस समय ग्रहण था। उस समय जो ग्रहण होता है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण था तो उसमें क्या होता है या सूर्य ग्रहण होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तीर्थ में जाकर स्नान करते हैं। ठीक इसी प्रकार से वहां सब लोग कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, पूरा हल्का अद्वैत आचार्य जी जो हमेशा बड़े खिन्न रहते थे कि ये कलयुग के जीवों को क्या होता जा रहा है, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता, वो हमेशा चिंतित रहते थे, भगवान को हमेशा बुलाते थे, आह्वान करते थे। तो उस समय भगवान के प्राकट्य से ही ग्रहण होते हुए भी लोगों के अंदर इस प्रकार की सुकृति ने जन्म लिया कि सब स्नान करने के लिए और गंगा जी की ओर धावित हो रहे हैं और हरी बोल हरी बोल हरी बोल करते हुए कीर्तन करते हुए इस भवि से जाकर के वहां पर स्नान करते हैं। और वहां पर स्नान करके जब ये आए हैं तो देखो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते ही सबके मुख में जो है भगवान का नाम बुलवाने की शक्ति चैतन्य महाप्रभु प्रदान करते हैं। इतने महान औदर्यवान जो चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्णचंद्र तो माधुर्य की सीमा है लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, श्री कृष्ण और राधा रानी का मिलित स्वरूप है, वो माधुर्य से बढ़कर एक कदम आगे है, वो आदर स्वरूप है, मतलब उदारता की सीमा वो भी पार कर जाते हैं। इतने करुणा करुणालय कि महान महान जो है कठोर हृदय वाले जगत माता का जो उद्धार उन्होंने शस्त्र अस्त्र से नहीं बल्कि प्रेम से कर दिया। जहां की तीन युगों में जब हृणाक्ष और हृणाकशिपु आते हैं तो गदा से मारते या फिर अपने नाखूनों से फाड़ते, जब कुंभकर्ण और रावण आते हैं तो तीर और धनुष से मारते, तलवारों से मारते, शिशुपाल और दत्तक आते हैं तो चक्र से मारते। लेकिन यहां चैतन्य महाप्रभु ने वही जो जगाई मदाई थे, रावण और कुंभकर्ण थे, ये और कोई नहीं वैकुंठ के जय और विजय, इनको मारा नहीं, इनका उद्धार किया, प्रेम प्रदान करके।
प्रभु चैतन्य महाप्रभु की धन्यवाद वांछा प्रकार में आएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है, इनका
शास्त्र में, हमारे स्मृति पुराण में, वेद उपनिषद श्रीमद भागवत में, व्यास जी और अन्य आचार्यों के द्वारा पहले ही अन्य पुराण, गरुड़ पुराण, बालक पुराण, बहुत सारे योग के द्वारा उत्पीत करके और बड़े बड़े सुंदर सुंदर श्लोक में श्रीमंत महाप्रभु किस प्रकार आएंगे कलिकाल में, साक्षात भगवान कृष्ण ही श्रीमंत महाप्रभु के रूप में आएंगे, स्पष्ट रूप में पहले ही बता दिया गया। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जिस प्रकार उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने कल बोले कि कल के अवतार, कल के अवतार अभी आए नहीं, फिर भी कल के अवतार आने के शास्त्र में अभी से ही लिख दिया है। इस प्रकार के ब्राह्मण धर्म में, ब्राह्मण संभव ब्राह्मण धर्म में ठाकुर जी एक विप्र कुल में उत्पन्न होंगे, संबलपुर नाम का ग्राम में, कि संबलपुर नाम का एक गांव में अंजना मां उनका माता का नाम सबपुर टीचर, और उसमें भगवान कल की प्रादुर्भविष्य थी कि साक्षात देव यात्र बोल रहे हैं कि श्रीमद भागवत में बता रहे हैं कि इसी घर में कल की देव प्रकट होंगे। उत्तम बता रहे तो जितने भी भगवान के अवतार हुए वो सब पहले से ही और उसके बारे में गुरु जी कल बोल रहे थे विशेष करके कि जो जो चीज संसार में जागतिक जगत में प्रतीत होता है वो तो सब चीज को भी पहले से ही लिखा तो शास्त्र में उसको उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हमारे उड़ीसा में एक बुक मालिका बोलते हैं एक ग्रंथ को, उसमें सारे सारे चीज को लिखा गया है। गुरु जी कल उसी बात पर चर्चा करते हुए बोल रहे थे कि एक समय गुरुदेव को किसी ने वो मालिका ग्रंथ दिखाया और बता रहे थे कि इस प्रकार कोरोना काल में सब सब इस प्रकार भयंकर परिस्थिति हो जाएगा, ये बात कहने से उसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु जब इस जगत में आते हैं तो कुछ ना कुछ विशेष कार्य करने के लिए ही आते हैं और उनके आने को साक्षात भगवान है इसका प्रमाण शास्त्र उपनिषद वेद में साक्षात रूप में अन्य अन्य आचार्य और वेद व्यास ने लिखा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि एक समय प्रश्न पूछ रहे हैं कि कलिकाल में भगवान कौन है और भगवान के आराधना कैसे किया जाएगा, भगवान किस वर्ण का होंगे, कहाँ अवतीर्ण होंगे, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं निमि महाराज। तो वहां पे नवयुगेंद्र ऋषि वहां पे नवयुगेंद्र संवाद बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णन कृष्ण पांग पांगो अस्त्र पाशक जगे संकीर्तन प्राय दजंति सुमेध सब। महाप्रभु आने का वहां पे सत्ययुग में, महाप्रभु कलियुग में आए तो सत्ययुग में ही ये बात को श्रीमद व्यास जी और नवयुगेंद्र अग्नि नवयुगेंद्र संवाद में बता रहे हैं कि कृष्ण वर्णन कृष्ण अकृष्ण जिनके मुख से केवल कृष्ण केशव पालिमा जिनके मुख से केवल कृष्ण के नाम ही हर समय उच्चारण हो और उनका शरीर के वर्ण कैसे है अकृष्ण अर्थात घोर वर्ण श्वेत वर्ण तप्तकांचन वर्ण तपे हुए सोने के वर्ण कितना सुंदर महाप्रभु के शरीर कृष्ण वर्ण तथा अकृष्ण और कैसे आएंगे। जिस प्रकार यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि किसी प्रकार एक विशिष्ट व्यक्ति मान लो कलेक्टर पीएम इत्यादि के उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं वो अगर यहाँ पे आता है किसी जगह पे जाता है तो वहां से पहले से ही सब अरेंजमेंट होता है, सब प्रकार का व्यवस्था होता है, बहुत बहुत लोगों को पहले इकट्ठा किया जाता है, उससे पहले उनके बॉडी गार्ड जाते हैं, उनकी सिक्योरिटी जाते हैं, पुलिस फोर्स जैसे सब मतलब वहां पे अरेंजमेंट व्यवस्था होता है। तो उसी प्रकार जागतिक जगत का एक वर्ष एक देश का अगर एक कुछ व्यक्ति अगर उसके हाथ में ना कुछ भी इस प्रकार का पावर नहीं है और देश का जो पावर है थोड़ा बहुत पावर है जो भी कभी ना कभी छीन सकता है उसी प्रकार का व्यक्ति के लिए इसी प्रकार का अरेंजमेंट हो सकता है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो भगवान मालिक है ये साक्षात परमेश्वर ठाकुर जी है तो श्री ठाकुर जी जब जगत में आएंगे तो उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं होगा। तो श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक जगह पे वर्णन किए हैं कृष्ण यदि पृथ्वी से करे न अवतार प्रथम में करे न गुरु होके न संचार माता पिता गुरु भाई आदि जत है कि कृष्ण जो अगर पृथ्वी में आने के सोचते हैं इच्छा करते हैं भगवान राम और पृथ्वी में आने के श्रीमद महाप्रभु पृथ्वी में आने के लिए सोचते हैं
का कर्तव्य है उनको क्या करने क्या करते हैं ना जगत में उनके माता पिता बिना माता पिता के जाएंगे उनके परिवार उनके पात्र उनके गुरुवर्ग इन सबको जगत में पहले ही क्या करते हैं भेजते हैं। जिस प्रकार कृष्ण आने से पहले नंदबाबा का यशोमती मैया देव की बात और जिस प्रकार भगवान राम आने से पहले वहाँ पे दशरथ महाराज कैके सुमित्रा आदि सब उनके रामने के साथ और जिस प्रकार से महाप्रभु आने से पहले श्री माता जगन्नाथ मिश्र उनके गुरु माधवेंद्र पुरी पाठ का प्रेरणा से किया था ये सब उनको पहले ही महाप्रभु ने भगवान क्या करते हैं अपने परिकर को लेकर आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करें कृपास से स्वयं नाम सहवत है महाप्रभु जीव के ऊपर अत्यंत दया करने के लिए क्या करते हैं स्वपार्श से स्वयं नाम सहवत है अपने स्वपार्श से परिकर को लेके जगत में अवतीर्ण होते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण वर्ण अकृष्णम तांगो पांगो अस्त्र पार्श्व किसको किसको लेके आते हैं अपने अंग यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर रचना कर रहे हैं बता रहे हैं उल्लेख कर रहे हैं महाप्रभु के अंग से नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत आचार्य प्रभु और महाप्रभु अंग के भी जो उपांग शिवास पंडित आदि और श्री गदाधर शिवास पंडित आदि और उनके भी जितने महाप्रभु के परिकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी राय रामानंद गोस्वामी रूप गोस्वामी इन सब जितने भी महाप्रभु के परिकर को लेकर श्रीमद महाप्रभु जगत में आविर्भूत होते हैं और जगे संकीर्तन प्राय जजंत विश्व में ऐसा क्या करते हैं उनके अस्त्र क्या होता है जिस प्रकार राम जी आए उनके अस्त्र धनुष इस प्रकार कृष्ण द्वारिका वाले कृष्ण मथुरा वाले कृष्ण ने चक्र सुदर्शन धारण किया उसी प्रकार श्रीमद महाप्रभु इस जगत में जिस आते हैं तो उनका अस्त्र क्या होता है ना हरिनाम रूपी अस्त्र हरिनाम रूपी अस्त्र को महाप्रभु धारण करके इस जगत को जगत जीव को उद्धार करने के लिए श्रीमद महाप्रभु आते हैं। ये बात पहले से ही बताया जा रहा है शास्त्र में कि श्रीमद महाप्रभु आएंगे और उनके माता का नाम सची माता होगा उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र होगा इस प्रकार शास्त्र में पहले ही उल्लेख है। इसलिए हमको शास्त्र को जान के जो शास्त्र में बताया गया है जिस प्रकार महाप्रभु आएंगे जो जो गुरुवर्ग बताते हैं जो जो प्रभुपाद के विचार वैष्णव का विचार है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए जैसे तैसे को हमको कभी भी भगवान नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि गरुड़ पुराण में बता रहे हैं महाप्रभु आने का एक श्लोक है कि करो प्रथम संग्राय लक्ष्मीकान प्रभुदिश्यते दारुब्रह्म निकृष्ट सन्यासी को कि महाप्रभु आएंगे कैसे गरुड़ पुराण में बता रहे हैं कि करो प्रथम संग्राय कलिकाल का आयु 4,32,000 वर्ष है तो उसमें से जो प्रथम संध्या कलिकाल में प्रवेश के कलि के स्टार्टिंग में जो प्रथम संध्या है उसी संध्या में श्रीमद महाप्रभु इस जगत में आएंगे और कहां पे रुकेंगे लक्ष्मीकांत भविष्य थी उनके महाप्रभु के दो पत्नी है एक लक्ष्मी प्रिया और एक विष्णु प्रिया और एक अर्थ में साक्षात भगवान लक्ष्मीकांत। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वही साक्षात भगवान है जिनके कांत यानी जिनके पति लक्ष्मी जिनके पति है लक्ष्मी प्रिया देवी जिनके पति है वहां पे इंगित करके बता रहे हैं कि दारुब्रह्म निकटस्थ ये रुकेंगे कहाँ पे श्री दारुब्रह्म निकटस्थ दारुब्रह्म कहाँ पे है दारुब्रह्म श्री हमारे जगन्नाथ पुरी जगन्नाथ जी साक्षात दारू के निग्रह है दारू अर्थात नीम के वृक्ष के लकड़ी विशेष एक नीम के वृक्ष जिसमें कंसचक्र गदा ब्रह्म आदि बहुत सारे चिन्ह होता है उसको चिन्ह करके श्री विग्रह को प्रस्तुत किया जाता है। तो उसी प्रकार दारुब्रह्म निकटस्थ श्रीमद महाप्रभु गंभीरा में जो मूल उद्देश्य से आए किस प्रकार राधा रानी के मानक्ष भाव को इस प्रकार भाव को मंजरी भाव को प्रदान करने के लिए आए और जो राधा रानी के जो महिमा को आस्वादन करने के लिए श्रीमद महाप्रभु आए थे उसको सब पूरी में ही महाप्रभु 18 साल तक गंभीरा में होकर उसको आस्वादन किए। इसे आगे बोल रहे हैं कि वायु पुराण में भी बता रहे हैं कि गंगा तीर समुद्भव श्रीमद महाप्रभु गंगा के तट पर आविर्भूत होंगे उसी प्रकार ही हुआ नवदीप धाम में गंगा के तट पर ही श्रीमद महाप्रभु आविर्भूत हुए। तो ये सारे के सारे शास्त्रों में पहले से ही बताया गया है महाप्रभु ऐसे नहीं आते महाप्रभु आने से पहले ही भगवान आने से पहले ही सारे के सारे जो उनके किस प्रकार आएंगे उनके क्या करेंगे किस किस
जसराय श्री गुरुवे नमः। वंदे हम श्री गुरु श्री बरगद कमलम श्री गुरु कृष्ण श्री रूपम सम प्रजातम सम गणनाथ रूपम साद्वैतम साद्वैतम परितम सुतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पर हूँ। ओम विष्णुपाद अश्वमूर्त भक्ति विधान शुभ श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला परमेश्वर ओम विष्णुपाद अश्वमूर्त भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत अर्पण करता हूँ। श्रीमद् महाप्रभु समेत समस्त गौर परिकर एवं मेरी समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी आप सभी को यथायोग्य दंड अर्पण करता हूँ। भगवान की महती कृपा से श्री सद्गुरुदेव की कृपा से मानव जीवन का उत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को श्रीमद् चैतन्य भागवत के दिव्य प्रसंग के प्यार से प्राप्त हो रहा है। अभी हम लोग आज एक हाउस प्रोग्राम में गए थे तब गुरुजी ने एक बात कही थी कि देखो बड़ों की आबादी कितनी होगी उसमें से कुछ सेलेक्टिव पीपल को श्री भगवान ने सेलेक्ट किया है कि वो आकर के भगवान के दिव्य भागवत चरित्रों को श्रवण करें। और ऐसा नहीं है, पूरे के पूरे विश्व में श्री बड़े महाराज जी कहते थे पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतभक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि बहुत कि सहस्त्रों व्यक्तियों में से कोई कोई व्यक्ति होता है बहुत कम जिसको मुमुक्षु की इच्छा होती है, मोक्ष की इच्छा होती है, उसमें से भी बहुत अल्प ऐसे होते हैं जिसको भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। और उसमें भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्तियों में भी कुछ अल्प जीव ऐसे होते हैं जो श्री भगवान के दिव्य चरणारविंदों तक पहुंचते हैं। इसलिए बहुत हम लोग सब लोग गौड़िया संप्रदाय में आए हैं, ये बहुत भाग्य का विषय है, बहुत भाग्य का विषय है। भगवान की अतिशय अनुग्रह कृपा, भगवान का अतिशय अनुग्रह हुआ है तब जाकर के हम लोग श्री गौड़िया संप्रदाय में आए हैं। भैया ये कोई शिव जी का प्यार नहीं है कि कोई भी आ गया कोई भी आ गया से चल दिए, सांप आ गया वो भी चल दिया, चलो बारात में। शिव जी की बारात कैसी थी, त्राट त्राट त्रुट त्रुट मंगलम टम 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 सम टम सम टुटम सम टू ही चकितम भूपकम भुवनाल तैलम तैलम तु तैलम फुक 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 फंक 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 यस्यास्ते विप्रगान्ते कविवर वचसाम शंकरो पातु चूड़ा। ड्रम बज रहे हैं यस्यास्ते त्राट त्राट त्रुट त्रुट दमनम डम 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 डमरू बज रहा है। तमसम तमसम टुटमसम टुहि टुहि चकितम भूपकम भुवनालयम सितार बोल रहे हैं तैलम तैलम तु तैलम वानर बोल रहे हैं फुकु 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 सांप बोल रहे हैं फम 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 फम। ये सब के सब श्री शंकर जी की बारात में चले, क्यों चले, क्योंकि भगवान ने अलाउ किया। तो ये कोई शिव जी की बारात नहीं है कि लिए सदर चल दिए कि चलो गौड़िया संप्रदाय में, श्रीमन महाप्रभु की विशेष कृपा हम पर हुई है तब जाकर के गौड़िया संप्रदाय में हम लोग श्री गुरुदेव की शरण में पहुंचे। आए का जानु बाहु त्रिदशर वंशी पद्म पद्मासनस्थम पीतम वासम वसानम नव कमल तल स्पर्धि नेत्रम प्रसन्नम वामांक रूढ़ राधा मुख कमल विल्लल लोचनम नीर दाभम नानालंकार दीप्तम ददत गुरु वंशी विभूषित मौर पिच्छधारी कृष्णम। श्री भगवान की दिव्य सुंदर श्री भगवान की नाम गुण रूप लीला इस पर मोहित होकर के ही तो श्री
अधिकारी पुरुषों से ही प्राप्त होता है और अधिकारी पुरुष कौन है? श्री गुरुदेव। देखो ये बात सही कही थी अभी पूज्य श्री श्यामानंद प्रभु जी कह रहे थे ना, राम जी धनुष ले आए, कृष्णवंशी ले आए, राम जी धनुष ले आए, परशुराम वर्षा ले इत्यादि ले आए, लेकिन गोपियां कह रही है शरद उदात सहित साधु जात सर सरस जो अगर श्री मुशात्रिषा सूरत नाथ के श्रुत दासी का वरद निकले तो नेह किम बदा, अरे नेह किम बदा शरद दास है, अरे कोई शस्त्र ले आता है, कोई शास्त्र ले आता है, लेकिन धन्य हो गोविंद मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने दिव्य चितवन और दिव्य कटाक्षों के उन्मेलन से तुमने वैसे ही बद्ध कर दिया। इस कारण से श्रीमद महाप्रभु के दिव्य कीर्तन, श्रीमद महाप्रभु के दिव्य आने की दिव्य भूमिका विशेषा विशेष है, अन्य अन्य प्रकार से विशेष है इस कार्य से। और महाप्रभु श्रीमद महाप्रभु की इस संप्रदाय में, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु की संप्रदाय में बहुत विशेष सौभाग्य प्राप्त करके ही व्यक्ति आ पाया। श्री संकीर्तन के संकीर्तन का प्रचार श्रीमद महाप्रभु ने किया है। एक बार भगवती बोली, महालक्ष्मी बोली श्रीमद श्री विष्णु से कि एक बात बताइए प्रभु, जब आप आपको कोई भोग धराता है तो आप किस प्रकार से भोग आरोपते हैं? तो स्वयं श्री नारायण कह रहे हैं दृष्टिपातम दृष्टिपूतम यस्याग्रे सप्रहा, मैं अपनी दृष्टि से उसका भोग ग्रहण कर लेता हूँ, प्रसाद भोग ग्रहण कर लेता हूँ। तो भगवती लक्ष्मी बोली अच्छा अगर आपको तो चखने की इच्छा हुई तो क्या करते हो? तो कहा है, तो श्री भगवान बोले कि यस्याग्रे यस्य तुंडस्थ आग्रे अहम तिष्ठामि तस्य स्वादत्ता, मैं उसकी जीव के, अरे मैं अपने भक्त की जीव के अग्रभाग पर बैठ करके भोग का स्वाद ले लेता। श्री भगवान की दिव्य ऐसी मानती कृपा है, ये तो सब गौड़िया में ही मिल सकता है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वांछा कर तो श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, सब एक बार हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अरे एक बार जोर करके बोलिए बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी भक्तों को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का कथा हमको श्रवण कर रहे थे, क्योंकि जो राधा कृष्ण का जो भक्ति है, कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी खेली है। देखो कृष्ण नाम जैसे बताओ, जब तक तुम्हारी जुहा तीन बार पलट नहीं जाए वो कृष्ण नाम का उच्चारण नहीं होता। हर कृष्ण भी तीन जगह से टेढ़े हैं, हैं? वृंदावन गए होंगे, देखे होंगे वृंदावन का सारे गली भी सब टेढ़ी टेढ़ी। इसलिए ब्रज का एक भजन है, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, कहते जमुना तेरी टेढ़ी, मैया तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी गोकुल नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगरिया। इसलिए भक्तों ने कृष्ण को टेढ़े टांग वाले हैं, हैं? इसलिए सब उनका टेढ़ा है। लेकिन हाँ श्याम कुंड भी, कभी गिरिराज गोवर्धन गए होंगे, देखना श्याम कुंड भी टेढ़े हैं। इसलिए
कहते वो टेढ़े को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो चीज को शिक्षा देने के लिए ही कलियुग में स्वयं कृष्ण ही श्री राधा रानी की भाव और अंग कांति लेकर के कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आए और आ करके स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया। इसलिए बोले साधु पावा बड़ा कष्ट जीवर जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला नदी। भगवान क्यों आए? देखा कलियुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए स्वयं परात्पर तत्व परम ब्रह्म कृष्ण स्वयं कलियुग में साधुओं का चरित्र जीवन कैसे होनी चाहिए, भगवान स्वयं अपना जीवन में आदर्श को दिखाते हुए उन्होंने दिखाया हमें कलियुग में भगवान की भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए। इसलिए आज हम लोग सबरे में श्रवण कर रहे थे भगवान जगत में क्यों आते हैं, बहुत सारे कारण जगत में आने का। एक कारण हम लोग श्रवण कर रहे थे, कृष्ण गीता में कहते हैं ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजामि। कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जब जब ये पृथ्वी पर में गौ पर में और कहते माताओं के ऊपर में वेद में और साधु संतों के ऊपर में अत्याचार होने लगता है, तब तक मैंने इस जगत में अवतीर्ण होकर के संतों को पालन करता हूँ, भक्तों को रक्षा करता हूँ और दुष्टों को मैं विनाश करता हूँ, इसका कारण बताएं। तो इसमें टीकाकार लोग कहते हैं भाई भैया भगवान का क्या क्या जरूरत है, भगवान का जो भक्त लोग हैं ना भगवान की क्षेत्र का बता रहे, भगवान एक किसी भक्तों को भी भेज करके ये काम करवा सकते हैं, लेकिन ये भगवान को फिर क्यों आना पड़ता है, क्या जरूरत है, भगवान जगत में क्यों आते हैं? कहते कारण है, कहते भक्त लोग जब कृष्ण विरह में अत्यंत अत्यंत दुखी हो जाते हैं, कहते भक्त जैसे गोपियों ने हैं जब रास में कृष्ण अंतर ध्यान हुए, जब गोपियों ने गोपी गीत गाए, क्या कोई भक्त आकर के उनको सांत्वना दे सकते हैं? वो कृष्ण ही दर्शन दे करके उनको विरह को कृष्ण ही दूर कर सकते हैं। जैसे ध्रुवज ने तपस्या किया, इसलिए कोई भक्त आकर क्या उनको विरह को शांति कर सकता है? नहीं, ठाकुर जी को दर्शन करके ही भक्तों का हृदय में जो विरह है वो प्रभु दर्शन से ही वो विरह दूर हो सकता है। जैसे श्री प्रहलाद महाराज आए और खंभे से श्री नरसिंह देव को प्रकट कर दिया। इसलिए कहते भक्तों का विरह को प्रभु दूर करने के लिए इस जगत में आते हैं। और कहते जगत में धर्म संस्थापनार्थाय, कभी कभी भगवान भक्तों को भेज देते हैं धर्म स्थापन करने के लिए हैं। जैसे हमारे जैसे गुरुदेव प्रभुपाद आए, सारा दुनिया में उन्होंने भगवान की वाणी को भगवत भक्ति को प्रचार प्रसार किया, लेकिन ऐसे कुछ धर्म हैं वो भगवान के व्यतीत तो वो चीज़ को कोई स्थापन नहीं कर सकते हैं। जैसे कलियुग में जब श्री अद्वैत आचार्य आए, महाप्रभु आने से अद्वैत आचार्य आए, अद्वैत आचार्य कौन है? कहते ये सदाशिवी महाविष्णु है, वो साधारण नहीं। इसलिए कलियुग का युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कहते जगत में हरिनाम को ये प्रचार कर सकते थे, लेकिन देखा ये जो कलियुग है ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं, ये धन्य कलियुग है। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार 1000 चतुर्युग को जब बीत जाता है तभी ये कलियुग आता है, और ये कलियुग में बड़े बड़े देवता लोग भी कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। सत्य त्रेतया द्वापर युग का लोग हैं, सत्य को कृत युग कहते हैं, कृत युग मतलब सत्य युग में सबके सब धर्म जाचन करते थे, धर्म चार चरण में रहता था, कोई अधर्म करते नहीं हैं, कोई गंदा काम नहीं करते थे, लेकिन सत्य युग का लोग भी ये कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। त्रेतया युग कहते ना राम राज्य, कहते ना राम राज्य, राम राज्य मतलब क्या, जिनकी राज्य में कोई दुखी नहीं रहते थे, सब सुखी रहते थे, भगवान राम पशु पक्षियों का भाषा समझते थे, जब राम दरबार लगता था ये पशु पक्षी भी आकर के अगर कोई कष्ट हो प्रभु राम को बोलते थे, प्रभु राम सबको दुख दूर करते थे। बोले आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक, अभी जो करुणा आई है अब देखना लोगों घर में बैठा गया, लेकिन जब भगवान राम आए ये करुणा थी,
जब राम हम कहते ना राम राज्य में कोई दुखी नहीं। जब बोलते थे इंद्र को बारिश कराओ, क्या बारिश होगी उस समय? बोले बारिश बंद करो, इंद्र बारिश बंद कर देता था, हैं? क्योंकि भगवान रहते थे ना, ठाकुर रहते थे, राम राज्य है इसलिए। लेकिन त्रेता युग का लोग भी ये कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु को धारा में आकर के भक्ति करना चाहते हैं। द्वापर युग में कृष्ण आए, कृष्ण कौन है? ब्रह्मा कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन है। जब भगवान कृष्ण आए तब भी धर्मचारी चरण में रहा, कोई अधर्म नहीं। लेकिन द्वापर युग का लोग भी कलयुग में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करना चाहते, देवता लोग, ये एकादश स्कंध में बताया। इसलिए क्यों अद्वैत आचार्य जो सोच रहे हैं, वो जो राधा कृष्ण की जो निकुंज सेवा है, हैं, राधा कृष्ण की जो प्रेम सेवा है, जो मंजरी भाव, ये और कोई नहीं दे सकती ये चीज को, केवल श्री सच्चिदानंद गौर हरि दे सकते, महाप्रभु दे सकते हैं। अभी सुन रहे थे ना, वही कृष्ण कलयुग में राधा रानी की भाव अंग कांति लेकर के महाप्रभु का रूप में आए। इसलिए कहते धर्म संस्थापनार्थाय हैं और संभवामी जुगे जुगे। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, महाप्रभु कहाँ पर जन्म हुए? कहते गंगा किनारा में महाप्रभु जन्म लिया। अब लोग गए नवद्वीप, कौन कौन गए? हाँ, गंगा है ना, गंगा बह रही है, महाप्रभु साक्षात गंगा किनारा में। प्रभु जी आप भी गए हो? हाँ, इसलिए गंगा किनारा में ठाकुर जी गंगा किनारा में जन्म लिए। लेकिन वो स्वयं तो गंगा किनारा में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने जो भक्त लोगों को है ना, बड़े दूर दूर में जन्म दे दिया। बोले कहाँ कहाँ पर? बोले पांडव वर्जित स्थान, जहाँ पर पांडव नहीं गए। आप लोगों ने श्रवण कुमार का नाम सुने ना, जब अपना कंधे पर पिता माता को लेकर उन्होंने सर्वत्र उन्होंने दर्शन कराया, पिता माता की इतना सेवा की है। लेकिन चलते चलते एक जगह पर ऐसे स्थान आया जहाँ जाकर उसका बुद्धि खराब हो गया, पिता माता को गाली गलौज जो करने लग गया, बेकार ही अंधे पिता माता की सेवा करते करते जीवन मेरा बर्बाद हो गया, शादी नहीं की, संसार का भोग सुख नहीं की, बोले और तुमको कंधे पर नहीं ले सकते, रहो हमें जा रहा। उसको पिता माता तो बड़े आश्चर्य में पड़े गए, मेरे बेटा इतना पितृभक्त मातृभक्त, इसका बुद्धि कैसे खराब हो गया? वो समझ गए ये जो स्थान पर आए ना, ये कोई पाप स्थान है, ये कोई पाप स्थान है, ये अच्छा स्थान नहीं है। इसलिए तब उन्होंने बोले एक बेटा एक काम कर, एक ही बोले बेटा यहाँ क्या क्या है? बोले यह एक नदी। बोले एक ही काम कर, ये नदी को केवल पार करा दे, तू जा जहाँ जाना तू चले जा। बोले ठीक है, उसको बाद में तुमको कंधे पर नहीं ले सकता, बोले कोई ज़रूरत नहीं। बस जब उन्होंने केवल उन्होंने वो नदी को पार कराया ना, बुद्धि अपने आप सुधर गई, रोने लग गए, पिता माता के चरण में गिर पड़ा, मेरे बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो गया, मैंने पिता माता की सेवा से विमुख कैसे हो गया है? तब उन्हें रोने लग गए, बोले बेटा मैं समझ गया था ये कोई गंदा स्थान था, बुरा स्थान था, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विकृति हो गई है इसलिए। लेकिन उन्होंने महाप्रभु ने क्या किया, उन उन भक्तों को जो महाप्रभु के जो विशेष विशेष भक्तों को कहाँ पर जन्म दे दिया, जहाँ पांडव वर्जित, जहाँ पर पंच पांडव नहीं गए। बोले कारण क्या? बोले कारण है, बोले जहाँ पर भगवान की एक शुद्ध भक्त, भगवान की एक शुद्ध भक्त जन्म ग्रहण करते हैं, यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जय देशे सही कुले वैष्णव अवतरे तार प्रभाव लख जो जन निस्तारे। देखो एक संत जन्म लेने का कितना महत्व, यहाँ पर जय देशे जय कुले, जिस देश में जिस कुल में एक भगवान की भक्ति करने वाले वैष्णव जन्म ग्रहण कर ले, वैष्णव होनी चाहिए, ऐसे जैसे नहीं। वैष्णव मतलब क्या? जो विष्णु मंत्र में दीक्षित, गले में तुलसी कंठी लगाए, तिलक लगाए, भगवान के नाम जप करे, ठाकुर जी की भक्ति करे, उनको कहते हैं वैष्णव हैं। अगर किसी कुल में एक वैष्णव जन्म ले लिया, भगवान नरसिंह देव क्या कहते हैं? कहते उनकी 21 पीढ़ी उधार हो जाती। कितना उधार हो जाता है? 21 पीढ़ी माता जी के वंश से, पिताजी के वंश से, और वहाँ और एक भक्तमाल ग्रंथ है वहाँ पर तो बताया 108 पीढ़ी उधार हो जाएगी, यहाँ पर 21 पीढ़ी 108
फूफा जी की, ताऊ जी की, नानी की, वहाँ पर सबके सब वर्णना किया है इनके कितने कुल उधार होगा, इनके कितने। एक भक्त अगर किसी घर में जन्म ले ले सचमुच से भक्ति करने वाले, शुद्ध रूप में भक्ति करने वाले, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते वहाँ पर कह रहे हैं, कहते तहार प्रभाव लक्ष्य योजन विस्तार। देखो कितने बड़ी बात कहते हैं, एक अगर शुद्ध भक्त निष्कपट रूप में जो भगवान की भक्ति करते हैं, जिनके हृदय में केवल प्रभु की प्रेम की इच्छा है और कोई इच्छा नहीं हृदय में हैं, संसार की कोई कामना वासना नहीं, सचमुच से शुद्ध रूप में भक्ति करे, यहाँ पर कहते उसके प्रभाव में एक लक्ष जोजन, एक लाख जोजन उसकी प्रभाव से उधार हो जाते हैं। क्या जितने दूर तक तो उनको दृष्टि जाती है, क्यों उनका जो दृष्टि और प्रेममय दृष्टि, उनकी आंखों में ठाकुर जी बैठे ही हैं, जितने दूर तक तो उनको दृष्टि जाएगा उतना दूर तक तो पवित्र हो जाएगा। जब ऐसे हाथ उठा करके नृत्य करते हैं, कहते स्वर्ग में देवता को कल्याण होता है हाथ उठाकर नृत्य करने पर, जब उनकी चरण स्पर्श ये पृथ्वी को मिलता है, ये पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, अहो भाग्य संतों का चरण हमें प्राप्त हो रहा है, हैं। इसलिए कहीं अगर भक्तों का जन्म, इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु क्यों जन्म दिया दूसरे दूसरे जगह में, बोले कारण है एक भक्त जहाँ पर जन्म लेगा उसकी प्रभाव से वो स्थान पवित्र हो जाएगा, वो स्थान मंगलमय हो जाएगा। इसलिए भगवान ने सारे भक्तों को इधर उधर जन्म ग्रहण दिया, जैसे संपूर्ण पृथ्वी भगवान की भक्तिमय रसमय, संपूर्ण पृथ्वी प्रभु का प्रेम में सराबर हो जाए संपूर्ण पृथ्वी। इसलिए यहाँ पर भक्त लोग आएंगे, अभी भगवान आने वाले, कल कैसे भगवान आएंगे प्रभु जी सुनाए और हम और अच्छे तरह से सुनेंगे, ठीक है। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताय गौर प्रेमानंदे संकीर्तन कर, बोले हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ का बाकी प्रसाद है ना, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब पीछे पीछे बोलो ताली बजाओ, हरे कृष्ण
आनंद की जय। श्री राधे, जय श्री गुरु रामचंद्र जी का।